आरोग्य जागृति। औरंगाबाद की ये खबर इस पैंडेमिक समय पर भी दिल को सुकून पहुंचाने वाली खबर है। फिलहाल पूरे देश में कोरोना की सेकंड वेव ने त्राहिमाम मचा रखा है। कोरोना महामारी से ज्यादा प्राणवायु यानी ऑक्सीजन ने आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी है। हाल ही में हुई जाकिर हुसैन अस्पताल नासिक की घटना ने दिल को झंझोड़ कर रख दिया है। केवल 15 मिनट ऑक्सीजन न मिलने के कारण 22 लोगों ने अपनी जान गंवाई। हम मानते हैं ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन 15 मिनट ऑक्सीजन न मिलने से इतनी बड़ी त्रासदी हुई है। काश औरंगाबाद के सिग्मा हॉस्पिटल की ये टेक्नोलॉजी नासिक में होती तो शायद ये 22 लोग हमारे बीच मौजूद होते। जी हाँ, सिग्मा हॉस्पिटल में आज से 8 साल पहले ही ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया था। शायद ये पूरे मराठवाड़े में पहला हॉस्पिटल है जो ऑक्सीजन किसी से खरीदता नहीं बल्कि खुद बनाता है। दोस्तों ये बात तो तय है, सिग्मा में कोई भी मरीज ऑक्सीजन के कारण अपनी जान नहीं गंवाएगा। पूरे भारत भर में कई ऐसे मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल हैं जिनके पास जर्मनी, यूएस के ट्रॉमा सेंटर्स, कैथ लैब्स, एडवांस महंगी मशीनें होने का दावा करते हैं, लेकिन आज ये सभी हॉस्पिटल ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर के लिए मोहताज है। कई जगह से तो ये भी खबरें आई है कि परिजनों ने ऑक्सीजन सिलेंडर दरवाजा तोड़कर लूट लिए। हमें ऐसा लगता है कि हर हॉस्पिटल में जैसे जनरेटर कंपलसरी, सेफ्टी के लिए फायर एनओसी कंपलसरी, वैसे ही ऑक्सीजन प्लांट भी कंपलसरी होना चाहिए, या सरकार को ऐसा कानून ही पास करना चाहिए जिसके कारण ऐसे मुश्किल हालात में किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत ना पड़े। शायद ये ऑक्सीजन बनाने वाली मशीनें हमारे भारत में नहीं बनती हैं, लेकिन कई ऐसे अस्पताल हैं जो मोटी फीस लेते हैं तो उन्हें ऐसी सुविधाएं भी देनी चाहिए। आज हम सिग्मा हॉस्पिटल में ही आए हैं। यहाँ के सर्वे सर्वा डॉक्टर उन्मेश टाकलकर जी से जानेंगे कि कोरोना को लेकर सिग्मा हॉस्पिटल ने क्या तैयारी की है और आम जनता के लिए इलाज में लगने वाले खर्चे में क्या सुविधाएं हैं, या किसी जीवनदायी योजनाओं के अंतर्गत सिग्मा हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज होता है क्या, और देखेंगे यहाँ का ऑक्सीजन प्लांट किस तरह से काम करता है। यूनाइटेड सिग्मा में ऑक्सीजन प्लांट कैसा होता है, ईयर से जो बनता है वो हम बताना चाह रहे थे आपको। यहाँ के इंजीनियर साहब ने हमें काफ़ी अच्छी मालूम देने वाले हैं, और हम बताएंगे कि ऑक्सीजन कैसा बनता है और कितना लीटर बनता है और ये हॉस्पिटल को कैसा पहुँचाया जाता है। ऑक्सीजन का कितना महत्व है ये पेशेंट या डॉक्टर वही समझ सकता है जिसके ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। नमस्कार। हे अपन जे पाहता है एयर कॉम्प्रेसर है, हवेतला जो ऑक्सी वायु है, जो हवेतला जी हवा है याच्यामध्ये सक होते आणि याच्यामधून सक झाल्यानंतर एयर रिसीवर टँकला आपण ते जमा करतो। एअर रिसीवर टँकमध्ये जमा झालेली जी हवा आहे ती एअर ड्रायरच्या साह्याने आपण तिला ड्राय करतो आहे आणि ड्राय झालेली एअर आपण ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरला देतो आहे। तर समोर जे पाहत आहे ते ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आहे। त्या ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरमध्ये जी ड्राय एअर आहे त्याच्यामध्ये जे अदर घटक आहे जसे ऑक्सिजन बरोबर नायट्रोजन आहे, आर्गॉन आहे, इथेनॉल आहे, ते जे वायू आहे ते एक्स्ट्रॅक्ट करून फक्त ऑक्सिजन आपण पुढे पाठवला जातो आणि त्याच्यात जे मॉलिक्युल्स आहेत ह्या प्रकारचे ते मॉलिक्युल्स भरलेले असतात, त्या मॉलिक्युल्स थ्रू हे सगळे एक्स्ट्रॅक्ट करून दिलं जातं। बाकीचे जे वायू आहेत ते मॉलिक्युल्स बघतात आपण इथे आता, आणि जो तयार झालेला ऑक्सिजन आहे आपला त्या स्टोरेज टँकमध्ये आपण जमा करतो आहे। स्टोरेज टँकमधून सेंट्रल लाईन आहे आपली, 6 फ्लोअरपर्यंत आपण याचं डिस्ट्रीब्युशन केलेलं आहे आणि सगळ्या फ्लोअरला बेडला आपण इथून ऑक्सिजन पुरवू शकतो आपण। सर, ये जो ऑक्सीजन प्लांट जो अपन यूनाइटेड सिग्मा ग्रुप में हॉस्पिटल में बनाया है, ये कौन से जैसा भी 8 साल पहले आपने किया है और आज महामारी में इसका बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है, ये आपकी क्या दूरदृष्टि थी जो आपने ये प्लांट बनाने का ये सोचा था? ये ऑक्सीजन का जो प्लांट हमने लगाया है ये आठ साल पहले लगाया है, और इसका सोच यही था कि इसमें डिपेंडेंसी जो है वो कट ऑफ हो जाती है, क्योंकि किसी को ऑक्सीजन मांगने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि ये यूनिक टेक्निक है जो हवा में से या फिर एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन निकाल के, ऑक्सीजन के अलावा जो दूसरे जो घटक है जैसा नाइट्रोजन है, ओजोन है, वो उसमें से निकाल के जो ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन बाजू में निकाल के वो हम यूटिलाइज करते हैं, जिसकी प्योरिटी ऑलमोस्ट 95-97% रहती है, जो अपने रेगुलर ऑक्सीजन के बराबर है, और उसके लिए किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, खुद का खुद ऑक्सीजन हॉस्पिटल ही प्रोड्यूस कर सकता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ ये है कि रात बेरात में जब पेशेंट को प्रॉब्लम आते हैं तो सिलेंडर के ऊपर डिपेंडेंट रहना नहीं है, या फिर लिक्विड ऑक्सीजन है उसके टैंक के ऊपर डिपेंडेंट रहना नहीं है, और अपन अपना ऑक्सीजन खुद बना सकते हैं। तो ये सोच इसलिए थी कि इसमें थोड़ा सा कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लेकिन रोज का सिलेंडर का खर्चा थोड़ा सा कम होता है, लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने की वजह से लोग इसको लेते नहीं हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डिपेंडेंसी अगर किसी इन्वेस्टमेंट से कट होती है तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डिपेंडेंट होने से कभी भी आपने को अगर प्रॉब्लम आता है तो उसके मरीज की जान के ऊपर वो खेल जा सकती है। इसमें हॉस्पिटल चलाने के लिए दो लाइफलाइन ज़रूरी है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा ऑक्सीजन। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर प्रोड्यूस करती है, उसके अच्छे से अच्छे जनरेटर होने चाहिए, जो कि वो बंद पड़े तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कम पड़े तो ये दोनों को मिला के पेशेंट की जान जा सकती है। इसलिए कोई भी हॉस्पिटल में ये दोनों चीज़ में पूरा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से कभी भी उनको तकलीफ ना हो। सर, यूनाइटेड सिग्मा हॉस्पिटल में अभी बेड की स्थिति क्या है? यूनाइटेड सिग्मा हॉस्पिटल में अभी कोविड के हिसाब से अगर चलेंगे तो उसमें हमारे पास टोटल 150 बेड है, जो दो बिल्डिंग में या दो जगह है, और उसमें आइसोलेटेड ये बिल्डिंग्स है जो कोविड के लिए बनाई गई है, और इसमें 17 से 20 बेड का आईसीयू है, बाद में बाकी के जो बेड है वो ऑक्सीजनेटेड बेड है, 10-15 बेड जो है वो ऑक्सीजन उनके पास पहुँचता नहीं है, लेकिन दूसरी जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन के मशीन्स उनके पास है, जो हिसाब से वो हम उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन देते हैं, और वो कंप्लीट पूरे बेड ऑक्सीजन के ही है। और जो कोविड के लिए जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, जो गरीब पेशेंट हो उनके लिए, जो पीले कार्ड धारक हो या केसरी कार्ड धारक हो, उनके लिए भी हमारे पास कोविड में पूरी स्कीम अच्छे से चल रही है, मैक्सिमम पेशेंट हम उसमें ले रहे हैं, और जो भी गवर्नमेंट ने नियम डाल के रखे हैं बिलिंग के लिए, वो पूरे बिलिंग के नियम 100% हम फॉलो करते हैं, और वो हिसाब से बिलिंग होके पेशेंट को कम से कम पैसों में वो ट्रीटमेंट हो जाता है। और जो महात्मा फुले ज्योतिबा फुले योजना के अंदर जो रुग्ण है उनको तो काफ़ी कम कीमत में ट्रीटमेंट हो जाता है, और वो जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है वो हिसाब से हम उसका अप्रूवल और उसका डिस्चार्ज भेजते हैं। सर, जैसा बताया कि ऑक्सीजन प्लांट जो बनाया आपने, इसका अनुभव लिया है 8 साल में, जितने भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है सभी ने ये प्लांट बनाना चाहिए, ऐसा सभी ने इसका बोध लेना चाहिए। जैसा भी हॉस्पिटल बनाते समय जैसा कि फायर का एनओसी लेना, ऐसा अगर कंपलसरी किया तो इसमें आपका क्या मत रहेगा, क्या इन्होंने लगाना चाहिए या नहीं? कैसा है, छोटा बड़ा हॉस्पिटल जो है उसमें ये प्लांट्स अवेलेबिलिटी भी है, इसका टेक्नोलॉजी जो आता है वो बाहर से आता है, यूएस की टेक्नोलॉजी है, कुछ यूके की टेक्नोलॉजी है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये टेक्नोलॉजी अपन इंडिया में बनाना चाहिए, और इंडियन जो प्रोड्यूसर्स है उसने अगर ये प्लांट का मैन्युफैक्चर कर लिया तो जैसा छोटा साइज़ हो, मीडियम साइज़ हो, बड़ा साइज़ हो, जो प्रोडक्शन के हिसाब से छोटे हॉस्पिटल को छोटा प्लांट, बड़े हॉस्पिटल को बड़ा प्लांट, और जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है वो अपन अगर कर सकते हैं तो इसके अच्छा बात कोई नहीं है, क्योंकि इसमें अपनी डिपेंडेंसी जो है वो कट हो जाती है। जो नासिक का हादसा हुआ है ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर, या ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए क्या प्रिकॉशन हर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेना चाहिए, या फिर अपने तरफ से कोई नया प्रोविजन करना चाहिए? जो ऑक्सीजन और एनी जब भी होते हैं, ये कैसा है कि इलेक्ट्रिसिटी में हो, ऑक्सीजन प्लांट में हो, लिक्विड ऑक्सीजन में हो, लीकेज हो, इसका मेन उद्देश्य है कि इसका नहीं करने के लिए इसका रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए, रेगुलर आदमी उसके ऊपर तैनात होने चाहिए, और रेगुलर आदमी करके उसका मेंटेनेंस करके जो प्रोसेस है, जो उसको लाइटली ना लेते हुए उसको रोज प्रोसेस वो चेक होना चाहिए। इसके वजह से मिसअप तो कभी भी हो सकता है, और रोज का जो है लीकेज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑक्सीजन आपने कितना भी अच्छा बनाया,
अगर पाइपलाइन में लीकेज है तो वो मरीज तक पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए जितना ऑक्सीजन प्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीजन लाना इम्पॉर्टेंट है, उतना वो पाइपलाइन जो आप कर रहे हो वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप लीकेज हरदम टेस्ट करना चाहिए।